IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन, एक असाधारण वैज्ञानिक। While you've been listening to me, the thousands of ribosomes in the trillions of your cells have been busily making tens of thousands of protein molecules in each of your cells. So thank you very much. जी हाँ, यही हैं प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन। Ladies and gentlemen, may I now call upon the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences, Mr. Gunnar Åkvist. Thank you. Welcome, ladies and gentlemen. Royal Swedish Academy of Science ने इस वर्ष रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों को देने का निर्णय लिया। ये वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर थॉमस ए स्टाइस, प्रोफेसर एडाई योनत और प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन। ये वो दिन था जब देश के कोने कोने में टेलीविजन, रेडियो और अखबार की सुर्खियों में बस एक ही नाम था, डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन। ये दिन था 7 अक्टूबर सन 2009 और सुबह सुबह हेलो सर, आई एम एडम स्मिथ, द चीफ एडिटर ऑफ नोबेल फाउंडेशन वेबसाइट। मैं एडम स्मिथ बोल रहा हूँ, मैं नोबेल फाउंडेशन वेबसाइट का चीफ एडिटर हूँ। क्या मैं प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन से बात कर रहा हूँ? जी हाँ। ओह ग्रेट प्रोफेसर, यू आर वेलकम। जी कहिए। आपको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है जो कुछ समय बाद एक समारोह में दिया जाएगा। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई एम ऑनर्ड। प्रोफेसर साहब, जैसा कि हमारी परंपरा है, अवार्ड मिलने से पहले क्या मैं आपका एक इंटरव्यू ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स, एज पर योर कन्वीनियंस। श्योर, व्हाई नॉट, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिलने तक की ये अद्भुत और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़ना होगा। ये कहानी शुरू हुई तमिलनाडु में। वेंकटरमन रामकृष्णन का जन्म सन 1952 में तमिलनाडु के प्राचीन शहर चिदंबरम में हुआ। बचपन में प्यार से उन्हें अंबी और वेंकी कहकर भी पुकारते थे। जब वे 3 के थे तब इनके माता पिता बड़ौदा चले आए, जो अब गुजरात का वडोदरा शहर है। इसीलिए इनकी स्कूली शिक्षा वडोदरा की सैनिक छावनी में स्थित कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हुई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जीवन में हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख स्वयं वेंकटरमन भी अपने इंटरव्यू में करते रहे हैं। जब वेंकटरमन रामकृष्णन 7 कक्षा में थे तब एक दिन उनके अध्यापक गोविंद राज कक्षा 4 में उनके अध्यापक रहे एरिक इयन फर्नांडिस से मिले। मिस्टर फर्नांडिस। अरे गोविंद राज, हाउ आर यू? क्या बात है, यू लुक क्वाइट वरीड। यस फर्नांडिस, इट्स अबाउट वेंकी। माय फेवरेट स्टूडेंट वेंकी? उसके बारे में क्या, वो तो एक बहुत ही ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। वही तो, आजकल पढ़ाई से उसका ध्यान कुछ भटक रहा है। व्हाट आर यू सेइंग गोविंद राज, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मिस्टर फर्नांडिस, सब तो परीक्षा में उसके नतीजे भी 3 तक नीचे फिसल चुके हैं। ओह माय गॉड। एंड यू नो,
अब पढ़ाई की बजाय वो खेलने में, हल्के उपन्यास, हल्की किताबें पढ़ने में ज्यादा समय लगाने लगा है। Really? It's a cause of concern. We have to do something, man. He needs our counseling. इस वक्त उसे हम दोनों के साथ की जरूरत है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आओ गोविंदराज, चलो मेरे साथ। चलिए भाई। Learning should be, encouraging your curiosity. When people spend an inordinate amount of time, all of which is geared towards a single exam, and it also destroys these children's childhood, they should have free time. When I was growing up, I was very interested in games. Some more tea, please. Yes. So you were very naughty as a student. I was not naughty as a student, but as a child I was. So it seems. So tell me something about your academic life as a student. Well, Mr. Smith, जब मैं भारत में छात्र था तो I was fortunate. हमारे स्कूल में कई बेहतरीन टीचर्स थे और मुझे आज इस स्टेज तक पहुंचाने में I remember मेरे अध्यापक मिस्टर एरिक इयन फर्नांडिस और मिस्टर गोविंदराज, अच्छा, इन दोनों का नाम तो मैं खास तौर पर लेना चाहूंगा। और हाँ, साथ ही मेरे एक ड्राइंग के टीचर थे मिस्टर गज्जर। हाँ, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब मेरा पढ़ाई से ध्यान भटक रहा था और मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो लगातार नीचे आ रहे थे, तब मेरे ज्ञान को बढ़ाने और मेरा चरित्र निर्माण करने में इन टीचर्स का खास तौर पे योगदान रहा। जी। आई रिमेम्बर क्लाइंबिंग द चीकू ट्री। ओह मिस्टर गज्जर, आई वॉज योर वर्स्ट स्टूडेंट। आई रिमेम्बर हाउ यू आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ लैंडस्केप and I painted the whole sheet black and told you it was a landscape on a moonless night. जब वेंकटरमन रामाकृष्णन 16 वर्ष के थे तो एक दिन वो अपने पिता सीवी रामाकृष्णन और माँ राजलक्ष्मी के पास गए और बोले, अप्पा। यस वेंकी। अप्पा, मैं NCERT के नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम में भाग लेना चाहता हूँ। ओह, NSTSS? जी अप्पा। दैट्स ग्रेट, तो तैयारी शुरू करो। जी। अयो वेंकी, क्या कहना चाहता वो तो सुन लो, तुमको क्या लगता वो तैयारी नहीं कर रहा होगा? अम्मा, मैं यहाँ बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव कॉलेज से प्री साइंस की परीक्षा भी देना चाहता हूँ। ये एक वर्ष का कोर्स है। I see. ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या दोनों एक साथ कर पाओगे? Well, I'm not discouraging you. बस तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर पता होनी चाहिए। Ayo, if he thinks he can do, he will do. हाँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? Thank you, अप्पा। Go on, बेटा। Thank you, अम्मा, thank you. Oh, God bless you. और अगले ही वर्ष वेंकटरमन रामकृष्णन को NTSS छात्रवृत्ति के लिए चुन लिया गया। इस परीक्षा को अब NTSE यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। When I was growing up, you know, my parents were busy with their own lives. They were not worried about me. That I said, if I get the National Science Talent Scholarship, then you should just accept that I should do physics. And as it turned out, I got it. यही नहीं, इसी वर्ष इन्होंने महाराजा सयाजी राव कॉलेज से प्री साइंस की परीक्षा भी पास की। फिर इसी MS कॉलेज में BSc भौतिक शास्त्र में उन्होंने दाखिला लिया और 1971 में उसे भी प्रथम श्रेणी में पास किया। प्रोफेसर वेंकटरमन, तो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप और प्री साइंस एग्जामिनेशन दोनों एक ही साल में, और वो भी इतनी कम उम्र में। प्रोफेसर, आप में इतना कॉन्फिडेंस, हाउ डिड यू अर्न दैट?
To be very honest, it's all because of my teachers and my parents. मेरे पिताजी ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में फेमस साइंटिस्ट डेविड ग्रीन के साथ रिसर्च वर्क किया. अच्छा. एंड मॉम इज अ पीएचडी फ्रॉम मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा. सो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट स्कॉलर्स दे ऑल यूज्ड टू कम टू आवर हाउस. एटमॉस्फेयर अराउंड मी वाज सच के कुछ कर पाना मुश्किल है. ऐसा उस बचपन में आई डोंट थिंक कभी मेरे मन में आया हो. यस यस या पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज यूज टू विजिट अस. तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत से मेरा परिचय इनफैक्ट मेरे बचपन में ही हो गया था. क्या बात है, क्या बात है. वर्ष की आयु में वेंकटरमन अमेरिका गए और यहाँ ओहायो यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति के साथ स्नातक किया. यहीं 23 वर्ष की आयु में इनका विवाह सुप्रसिद्ध लेखिका और चित्रकार वेरा रोजनबेरी से हुआ. सन 1976 में इन्होंने भौतिक विज्ञान में पीएचडी किया. तब ये मात्र 24 वर्ष के थे. जी प्रोफेसर साहब, लेकिन मेरी जिंदगी का अहम लम्हा या यूं कहिए कि टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरे अपने फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने अपना थीसिस पूरा. ओह रियली प्रोफेसर साहब, यू मीन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर थीसिस? यस, आई स्टार्टेड थिंकिंग अब क्या, व्हाट नेक्स्ट. और इधर कुछ समय से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था. पर प्रोफेसर साहब, जीव विज्ञान कैसे? इनफैक्ट मैं रेगुलरली साइंस मैगजीन साइंटिफिक अमेरिकन को पढ़ता था. अच्छा अच्छा. और उसमें बायोलॉजी में होने वाले नए नए आविष्कारों के बारे में पढ़ पढ़ कर मुझे लगता था और मैं सोचा करता था कि मुझे भौतिक विज्ञान से फ्रॉम फिजिक्स I should come to biology. Achcha. And from that point onwards, my academic life was changed forever. Professor Venkatraman, that is wonderful. Wonderful. और PhD के बाद Dr. Venkatraman Ramakrishnan ने फिर से जीव विज्ञान में स्नातक के लिए University of California, San Diego में दाखिला ले लिया. वेंकटरमन रामाकृष्णन ने विज्ञान पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन में वैज्ञानिक डोनाल्ड एंगलमन और वैज्ञानिक पीटर मूर द्वारा लिखा लेख पढ़ा था. ये लेख राइबोसोम के बारे में था. I felt I'd acquired enough biology background, etc., and I wasn't sure I needed a second PhD, you know, because it would be another piece of paper, but I accomplished what I needed to, which was to learn the basics of biology and how to work in a lab. And at the same time, there was a Scientific American article again, but this time it was by Donald Engelman, the man who had expressed an interest in me, with his colleague Peter Moore at Yale. And it was about ribosomes. I thought this was perfect. It used my physics background to look at an important biology problem. समझने के लिए राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाला कारखाना कहा जा सकता है. यहीं से वेंकटरमन रामकृष्णन को जीव विज्ञान और उसमें भी राइबोसोम विषय में रुचि जागृत हो गई थी. वेंकटरमन रामकृष्णन ने इन दोनों वैज्ञानिकों से संपर्क किया. डॉक्टर एंगलमैन ने वेंकटरमन को येल में अपनी प्रयोगशाला में बुला लिया, जहां राइबोसोम प्रोजेक्ट पर शोध कार्य के लिए एक पद खाली था. और तब वेंकटरमन येल विश्वविद्यालय चले गए. वैज्ञानिक पीटर मूर तो सैन डिएगो में वेंकटरमन से मिल भी चुके थे. 1978 में वेंकटरमन को येल विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्ति भी मिली.
राइबोसोम में वेंकटरमन की रुचि, समझ और पकड़ गहरी होती चली गई और फिर शुरू हुआ येल विश्वविद्यालय में राइबोसोम पर शोध कार्य। वे युवा वैज्ञानिकों के साथ दिन रात राइबोसोम पर आधारित प्रयोगों में लगे रहते। This is very interesting. Let me focus through the microscope. This is one nanometer. Sir, as we all know, एक सेल यानी एक कोशिका में हजारों राइबोसोम्स होते हैं। Oh, आप लोग आ गए? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, can you repeat yourself, please? Sir, I said, as we know, एक सेल यानी कि एक कोशिका में कई सारे हजारों राइबोसोम्स होते हैं। Yes, yes. Come here. Yes, please. You can see them now. ये जो एक राइबोसोम है, जो आप देख सकते हैं। Right. ये लगभग 25 नैनोमीटर का होता है। 25 नैनोमीटर। That's correct, that's correct. आप लोगों को ये तो पता ही है। एक नैनोमीटर यानी एक मिलीमीटर का एक लाखवां भाग। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो अब बड़ी और केंद्रीय समस्या ये है कि राइबोसोम काम कैसे करता है। यानी हमारे गुणसूत्रों से संदेश लेकर प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है। अगर आप ये नहीं जानते कि किसी यंत्र में जैसे मोटर में इंजन कैसे काम करता है, तो आप निश्चित ही ये नहीं समझ सकेंगे कि मोटर कैसे काम करती है। जी, 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 बिल्कुल। इसलिए राइबोसोम की परमाणु संरचना का निर्धारण करने के लिए हमें उसकी अति सूक्ष्म और स्पष्ट तस्वीर का पता लगाना जरूरी है। Yes, sir. जी सर। For that we need to build some instruments. Good, good going. Yes. तो राइबोसोम के लिए छोटे उपकरण आणविक स्केल पर। Sir, you mean to say small instruments at an atomic scale? That's absolutely correct. Ah. And हमारा जो DNA होता है, वो हमारे शरीर की सूक्ष्म सूचनाओं को संजोने वाला, it's like a tape recorder. और RNA उसे प्ले करने का एक मीडियम होता है। What an analogy. Well said. Well said. तो हम अपने शोध के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। We can say it is like 3D photography. फर्क इतना है बस के प्रकाश की जगह यहाँ एक्सरेज का इस्तेमाल होगा। सर, इस तरह तो राइबोसोम की संरचना की बारीकियों को समझा जा सकता है। Yes, yes. Excellent, sir. Excellent. And sir, we are so fortunate to be a part of it. Yes, sir. We are. We do. So, let's start it. Yes. Yes. Right. Yes. We're ready. Please. Yes. सन 2000 में वेंकटरमन रामाकृष्णन ने सबसे पहले राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों की परमाणु संरचना का पता लगाया। फिर उसके बाद तो आगे के रास्ते खुलते चले गए। उनके शानदार वैज्ञानिक योगदान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। सन 2003 में प्रोफेसर वेंकटरमन रामाकृष्णन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। सन 2004 में इन्हें अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य बनाया गया। 2007 में चिकित्सा विज्ञान के लुई जीन टेट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 2008 में इन्हें ग्रेट ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया। इसी साल इन्हें ब्रिटिश बायोकेमिकल सोसाइटी का पदक प्रदान किया गया। सन 2009 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय से इन्हें ऑनररी प्रोफेसरशिप से नवाजा गया। सन 2012 में इन्हें नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया। और यही नहीं, 26 जनवरी सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति ने प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दिसंबर 2009 नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह।
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस का स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल। स्वीडन के महाराजा कार्ल गुस्ताफ मंच पर आसीन। So this year's Nobel Prize in Chemistry rewards three scientists, Venkatraman or Venki Ramakrishnan, Thomas Deitz and Ada Yonat, that have shown us in impressive detail. सम्मानित किया जाता है। आपको इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपने राइबोसोम्स के क्रिस्टल का गहन अध्ययन कर उसकी संरचना का पता लगाया। आपने बहुत ही प्रवीणता से राइबोसोम के मूल आणविक और उनके चिकित्सा संबंधी पहलुओं का स्पष्टीकरण किया है। मैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद पेश करता हूँ। और अब मैं आपसे महामहिम महाराज के कर कमलों से नोबेल पुरस्कार का पदक और प्रमाण पत्र ग्रहण करने का आग्रह करता हूं। प्रेरणा के स्रोत वैज्ञानिक प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन, तुम्हें हमारा शत शत प्रणाम। Due to high expectations of parents, children come under mental pressure. Rather than putting kids under pressure, let them bloom on their own. Allow them to choose a field of their choice. Let children enjoy their age. Don't rob children of their childhood. प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन, एक असाधारण वैज्ञानिक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध एवं शोध आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार ऋचा सयाल, संदीप भट्ट, गौरव मारवा, वैभव रक्षित, CIRS मूर्ति, ममता मलकानी, वैभव प्रताप सिंह, किशोर सहजानी और बाबला कोचर। पार्श्व संगीत हरभजन सिंह, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, रेडियो रूपांतर, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।